हेलो फ्रेंड्स, मधु चैनल पे आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आप सबको हैप्पी गणेश चतुर्थी। आज का हमारा रेसिपी ये है पालो उंड्रालू, इसको बोलते हैं राइस बॉल्स खीर। राइस बॉल्स खीर आंध्र प्रदेश का रेसिपी है और ये गणेश जी को बहुत प्रिय है। गणेश पूजा के अवसर पे आंध्र प्रदेश में घर घर में बनाए जाते हैं। इस खीर में घी तेल भी नहीं लगता है। जिन लोगों को घी तेल खाने का परहेज है वो लोग भी जीवर के खा सकते हैं। ये खीर बहुत स्वादिष्ट होता है। आज हम राइस बॉल्स खीर बनाएंगे। राइस बॉल्स खीर बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप चावल का आटा, 1 कप चीनी, 2 कप पानी, 1/2 टीस्पून घी लेना है। आटा में डालने के लिए थोड़ा सा नमक और चीनी अपना टेस्ट के हिसाब से लेना है। बड़ा कटोरी में जो चीनी लिया है वो खीर में डालने के लिए। ये है 2 स्पून राइस पाउडर और थोड़ा सा पानी मिक्स करके लिया है। 2 कप दूध लिया है। अब चलते हैं प्रोसेस में। इस ग्लास से नाप लिया है, ये है 125 ग्राम का है। राइस बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले चावल का आटा लगाकर तैयार करेंगे। बर्तन कोई भी हो, बेस हेवी होना चाहिए ताकि आटा नीचे से जल न जाए। बर्तन में 2 कप पानी, चावल का आटा, चीनी नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डाल के अच्छा से मिक्स करें। मिक्स करके गैस के ऊपर धीमी आंच पर पकाएं। इसी तरह चलाएं, तब तक चलाएं जब तक आपका डो नहीं बन जाता। ये तो बहुत जल्दी बन जाता है, 5 मिनट में डो बन के तैयार हो जाएगा। इसके अंदर थोड़ा सा घी डालें, थोड़ा सा मतलब बहुत थोड़ा सा डाल के चलाते रहे, तब तक चलाते रहे जब तक डो नहीं बन जाता। इस तरह डो बन के तैयार होगा। इसको थोड़ा सा गीला हाथ करके चेक करना है, आपका हाथ में नहीं चिपक रहा है मतलब आपका डो बॉल्स के लिए रेडी है। जब हल्का सा गर्म हो तब हाथ से मसल कर चिकना करना है। हाथ में थोड़ा सा घी लगा के आटा को 4-5 पार्ट्स में बना ले। घी इसलिए लगाना है ताकि आटा हाथ में ना चिपके। देखिए सारे आटे को इस तरह बना ले ताकि आपको बॉल्स बनाने में दिक्कत ना हो। अब इस तरह थोड़ा थोड़ा लेके छोटा छोटा बॉल्स बनाने हैं। आपका साइज छोटा बड़ा, आपको जो साइज चाहिए आप बना सकते हैं। अब सारा बॉल्स बनके रेडी हो गया है। देखिए इतना सा और घी हमारा बच गया। जिस बर्तन में चावल का डो बनाया उसी बर्तन को साफ करके ले लिया है। अब खीर के लिए रेडी करें। 2 कप दूध और 1 कप चीनी डालें, नमक अपना टेस्ट के हिसाब से डालें, फिर गैस ऑन करके धीमी आंच पर रखकर चलाएं। चीनी घुल जाए फिर दूध बॉयल होने के बाद सारा राइस बॉल्स डालें। अब दूध बॉईल हो गया है, फिर इसके अंदर सारा राइस बॉल्स डालना है। ये है हमारा राइस पाउडर, पानी मिक्स करके रखे थे उसको भी डाले, वो इसलिए खीर को थोड़ा गाढ़ा बनाने के लिए। अब बॉईल होने लगा है, 5 से 10 मिनट तक इसको धीमी आंच पे पकाएं। ये बहुत जल्दी बन जाता है। 10 मिनट के बाद गैस बंद करके एक ढक्कन से ढक दीजिए। फिर ठंडा होने के बाद इसको परोसे। बहुत टेस्टी टेस्टी खीर बनके तैयार होगा। आप इसको जो भी गार्निश करना है गार्निश कर सकते हैं। खीर इस तरह दिखना चाहिए।
ये रेसिपी मेरे माँ ने सिखाया है। आप सबको पता है माँ के हाथ का खाना कितना टेस्टी होता है, इसलिए आप सब लोग इसको जरूर बनाएं। गणेश चतुर्थी में अपना मुंह मीठा कीजिए। अपना कमेंट्स द्वारा बताएं ये रेसिपी कैसी लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।